हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू वाचिंग अंजलि व्हाइट बोर्ड। और आज की इस वीडियो में हमें सोर्स ऑफ लॉ वाले चैप्टर को कंटिन्यू करना है और ख़त्म करना है। ठीक है, पार्ट वन वाली वीडियो बन चुकी है और पहले पार्ट वन अपलोड होगी, उसके ही तुरंत बाद में पार्ट टू अपलोड कर दूंगी, तो वो रिकॉर्डेड हो रखी है। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले हमने क्या पढ़ना था, जुडिशियल प्रेसिडेंट वाला से कंटिन्यू करना था। वैसे इसका पढ़ा था हमने जुडिशियल प्रेसिडेंट का, बट आई वॉन्ट कि मैं दोबारा से इसको इस वीडियो में कंटिन्यू करूँ। लेकिन जुडिशियल प्रेसिडेंट से पहले जितना हमने पढ़ा है ना, उसके रिवीजन हमें स्टार्टिंग से करना है, ताकि एक बार माइंड में वो अच्छे से पिक्चर क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, अच्छा, जो हमने सोर्स ऑफ लॉ वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, वो हमने ये देखा था कि सोर्स ऑफ लॉ जो है उसमें बहुत सारे डेफिनेशन को रेफर किया गया है, बट हमारा मॉड्यूल जो हमें रेफर कर रहा है वो 5 डेफिनेशन रेफर कर रहा है। फर्स्ट वन इज नेचुरल डेफिनेशन, सेकेंड वॉज पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड देन फिफ्थ वन वॉज रियलिस्टिक। ठीक है, नेचुरल डेफिनेशन वाला जो वो था टॉपिक था, उसमें 5 जुरिस्ट के नाम हमें रेफर किए थे, अल्पाइन, सिसेरो, सिजेरो और सियरो, ठीक है, सैमन और जस्टिनियंस और फिर था विनेग्रोडॉफ। ठीक है, 5 ये जुरिस्ट के नाम रेफर किए गए थे। नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ वाले डेफिनेशन को थोड़ा डीपली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे 5 जुरिस्ट के नाम रेफर किए हैं, बाकी है पॉजिटिविस्टिक, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्टिक और हिस्टोरिकल। इनमें जाओगे तो आपको दो दो जुरिस्ट के नाम ही रेफर होंगे और वो छोटी छोटी डेफिनेशन है, बट यहाँ नेचुरल स्कूल मतलब कि सबको ही रिवाइज करना है, तो एक बार मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हुए ही इनको रिवाइज करेंगे। तो एक बार ये वन नोट ओपन हो जाए, फिर यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे। हाँ, तो सोर्स ऑफ लॉ में हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखी, पहली डेफिनेशन नेचुरल, नेचुरल में कौन कौन आए, 5 जुरिस्ट के नाम आए, अल्पाइन, अल्पाइन ने क्या कहा था, लॉ क्या है, आर्ट और साइंस है, व्हाट इज इक्विटेबल एंड इक्विटेबल ऑफ जस्टिस एंड गुड। ठीक है, अल्पाइन का साइंस और आर्ट्स को लेकर कहना था। अल्पाइन के बाद आए सिजेरो और सियरो, आई थिंक सियरो होना चाहिए, बट जो भी है प्रोनंसिएशन वॉट एवर। ठीक है, सियरो, उसके बाद सैमन, और अगर इंग्लिश उसमें बोले तो सैलमन, बट एल साइलेंट है यहाँ पे। फिर था जस्टिनियंस, और उसके बाद लास्ट बचा था किस किस का नाम आ गया भाई, किसका नहीं है, विनेग्रोडॉफ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आया पॉजिटिविस्टिक, पॉजिटिविस्टिक, इनमें किस किस के नाम आए, जॉन ऑस्टिन और कैल्सन, या जॉन ऑस्टिन और कैल्सन की डेफिनेशन थी इनमें। उसके बाद किसका आया, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में क्या दो नाम आए थे, सेविनी, सेविनी, सेविनी और सर हेनरी। मैंने नॉट मैंने मैंने कितने हो गए, 1 2 3
अभी तो जगह ही नहीं बाकी भैया। और कौन था ये रिवीजन वाला, हटा देती हूँ यहाँ से। हिस्टोरिकल हो गया, सोशियोलॉजिकल, सोशियो लॉजिकल, इसमें कौन आया? एक मिनट, सोशियोलॉजिकल में किसकी बात हुई? सोशियोलॉजिकल में बात हुई रॉस्को बाउंड की और इयरिंग की। रॉस्को बाउंड और हियरिंग, हियरिंग लास्ट बचा है हमारे पास रियलिस्टिक। इसका किधर बनाया चार्ट, इसी में से निकाल लेते हैं। रियलिस्टिक रियलिस्टिक में दो जनों की बात हुई थी। होम्स और कार्डोजो। डन। क्या यहाँ पे हमारा सोशल सॉरी सोर्स ऑफ लॉ के जो पांच हमें डेफिनेशंस रेफर की गई हैं, क्या यहाँ पे हमारी वो डेफिनेशंस कवर हो गई? अब रिवीजन है तो इनके डेफिनेशंस के अंदर हमें घुस के रिवीजन नहीं करना है, वो सेल्फ का काम है, या फिर मुझे कराना चाहिए? मतलब टाइम जाएगा फिर आगे का भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये डेफिनेशंस हम इसकी नोट्स नहीं बनाएंगे, साथ साथ इनको पढ़ लेते हैं कि पहले बात हुई थी नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ वाले की, है ना? तो चलो ये लिख ही लेते हैं यार, इतना किया है तो क्या कंजूसी करना मेहनत में। एक मिनट। हाँ नेचुरल वाले की बात करनी है ना अब हमें, तो उसमें अल्पाइन का नाम आया। अल्पाइन सेड लॉ क्या है? लॉ इज साइंस और आर्ट्स, आर्ट्स और साइंस, ठीक है, और व्हाट इज इक्विटेबल एंड जस्टिस। इक्विटेबल यानी कि जो जस्टिस और अच्छे के बराबर हो, इक्विटेबल जस्टिस या फिर गुड। उसके बाद आया अल्पाइन के बाद नाम था सियरो। इसने क्या कहा भाई, सियरो ने क्या कहा कि ये जो तुम कह रहे हो ना साइंस आर्ट्स ऐसा कुछ नहीं है, हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। इसने क्या कहा, ये तो नेचर में ही है, लॉ नेचर में है, ठीक है। फिर आया नाम जस्टिनियंस का, जस्टिनियन का, जस्टिनियन व्हाट ही सेड? जस्टिनियन ने कहा कि जो तुम कह रहे हो नेचर साइंस कॉमर्स, ये तो स्टैंडर्ड है, और व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट, सही गलत के स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। तीन हो गए। फिर आया नाम सैमन का, और फिर सैमन ने क्या कहा, मैं ढंग से बता सकता हूँ, ये तुम दूसरों की बातों पे बिलीव मत करो। और एक आया विनेग्रेडॉफ का, विनोग्रा डॉफ था आई थिंक उसका नाम, जो भी था एक बार चेक कर लेना। इन्होंने क्या कहा, कि ये तो रूल सेट किए गए हैं, एक मिनट, प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल
जो कि रिकॉग्नाइज्ड करता है, रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड, रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय हुम, बाय स्टेट, स्टेट जिनको रिकॉग्नाइज और अप्लाई कराता है, किस लिए, जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। और विनिग्रेट ऑफ ने क्या कहा, थोड़ा बहुत ऐसे ही कहा कि रूल्स हैं जिनको कौन कराते हैं, रूल्स इम्पोज्ड और इम्पोज एंड एनफोर्स बाय, यहाँ सोसाइटी की बात हो रही है, इनके हिसाब से सोसाइटी इम्पोज और एनफोर्स कराती है, किस लिए, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ओवर पर्सन एंड थिंग्स, लोगों पे और चीजों पर पावर एक्सरसाइज करने के लिए। चलो भाई, ये तो हो गया नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं पॉजिटिविस्टिक पे। पॉजिटिविस्टिक इसमें जॉन ऑस्टिन का नाम आया। और केल्सन का नाम आया। जॉन ऑस्टिन और केल्सन, केल्सन ने क्या कहा, पहले जॉन ऑस्टिन की बात सुन लेते हैं। जॉन ऑस्टिन ने कहा कि वही रूल्स, एक मिनट, रूल्स, अरे भैया लिखिए, रूल्स किसने सेट किए हैं, बाय मैन, रूल सेट बाय मैन किस लिए, पॉलिटिकली सुपीरियर होने के लिए, पॉलिटिकली सुपीरियरिटी के लिए, पॉलिटिकली सुपीरियर, सब्जेक्ट क्या, सुपीरियर एंड सॉवरन, और सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल एम है, ठीक है। इसमें तीन एलिमेंट्स की बात हुई, वो तीन एलिमेंट क्या थे, कमांड, ड्यूटी, कमांड ड्यूटी एंड सैंक्शन, कि आपको कमांड दिया जा सकता है कोई चीज करने का, फिर आपसे ही वो कमांड को छीना भी जा सकता है। फिर केल्सन ने क्या कहा, अरे भैया क्या हैंग हो रहा है, आई थिंक केल्सन ने कहा कि लॉ क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस, लॉ क्या हुआ है, या लॉ डजंट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब व्हाट अकर्स बट ओनली प्रिस्क्राइब सर्टेन रूल, क्या हुआ है उसको नहीं बताता, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बताता है, ठीक है, साइंस ऑफ लॉ है। और क्या कहा जाता है, ग्रैंड नॉर्म्स भी कहा जाता है इनको, डन। यहाँ पे हमारा पॉजिटिविस्टिक वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। उसके बाद था हिस्टोरिकल डेफिनेशन, हिस्टोरिकल डेफिनेशन में क्या क्या दो नाम थे, सेवनी के अकॉर्डिंग और सर हेनरी मैने के अकॉर्डिंग, क्या क्या बातें हैं, लेट्स सी। सेवनीज, सेवनी नाम है, सेवनीज के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इन्होंने कहा है कि लॉ क्या है, एक अनकॉन्शियस और एक
ऑर्गेनिक ग्रोथ है जो कि रोक के नहीं रुक सकती, ठीक है। ऑर्गेनिक ग्रोथ है, लॉ को ढूंढा गया है ना कि बनाया गया है, लॉ फाउंड हुआ है यानी ढूंढा गया है, नॉट मेड, ठीक है। उसके बाद लॉ जो है यूनिवर्सल नहीं है नेचर में, इनके अकॉर्डिंग लॉ जो है नेचर में यूनिवर्सल नहीं है, ये अलग अलग लोगों और अलग अलग एज के हिसाब से वेरी करता है, वेरी विद पीपल और उनके एज, ठीक है। कस्टम जो है सुपीरियर है, फोन हो रहा है वाइब्रेट, लेट्स डू इट ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड। कस्टम जो है सुपीरियर है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो गया हमारा, और फिर सर हेनरी मैंने थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सर हेनरी इनके अकॉर्डिंग क्या है, लॉ जो है टू नोशंस की बात करता है, वो नोशंस क्या है, ऑर्डर और फोर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया हिस्टोरिकल वाला डेफिनेशन भी कवर कवर। अब दो डेफिनेशंस बच गई हैं रिवीजन के लिए, सोशियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल में पहला नाम दूसरा नाम यहाँ लिखेंगे ऐसे, पहला नाम हियरिंग का और ये दूसरा नाम होगा रोस्को बाउंड। इन्होंने क्या कहा है, हियरिंग ने गारंटी देता है लाइफ ऑफ सोसाइटी की, सोसाइटी में रहे लोगों या सोसाइटी की लाइफ जो है, एक मिनट दो सर वो क्यों बना दी मैंने, गारंटी की बात करता है, गारंटी इसकी लाइफ ऑफ सोसाइटी अश्योर कौन करता है, स्टेट अश्योर करता है, अश्योर्ड बाय स्टेट्स पावर। क्या चीजें ध्यान में रखते हुए, क्या इसमें है सोशल कंट्रोल इनके अकॉर्डिंग, फिर है सोशल पर्पस है इनका, कि इनके अकॉर्डिंग लॉ जो है सोशल पर्पस प्रोड्यूस करता है, और कैसा नेचर में, कोर्सिव इन नेचर है, ठीक है। फिर आते हैं हम अपना रॉस्को पाउंड जी पे, इन्होंने क्या कहा है कि लॉ जो है एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, दोनों की बातें ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों ध्यान में रख रहे हैं सोसाइटी को जलाने की बात को, सोशल इंजीनियरिंग जहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखा जा रहा है, एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे एसेंशियल, पॉलिटिकल, एथिकल, फिलॉसफी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये चीजों को क्या करता है, फंक्शन इनको ऑपरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इन्होंने एक बात कही है कि सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बट लॉ के अकॉर्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, क्यों, सोशल वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और सोशल वॉन्ट्स क्या होते हैं, आपकी लाइफ सिक्योर रहे, आपको जॉब मिले, आप सोसाइटी में क्या क्या बोलते हैं अच्छे से रह पाओ, सरवाइव कर पाओ सोसाइटी में, ठीक है। यहाँ पे हमारे डेफिनेशन हो गए कवर, कहाँ हुए भाई कवर, कहाँ हुए, रियलिस्टिक वाला तो है ही गया,
रियलिस्टिक, रियलिस्टिक में नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, रियलिस्टिक के नाम याद दिलाना जरा। रियलिस्टिक में क्या क्या नाम थे? होम्स का नाम था और कार्डुजो का नाम था। होम्स ने क्या कहा? स्टेटमेंट है अलग अलग सिचुएशन की, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को लॉ बना दिया गया। जैसे जैसे सिचुएशन हुए वैसे वैसे स्टेटमेंट बने, ठीक है? कोर्ट्स उनको फिर डील करती है। कार्डोजो क्या है? प्रिंसिपल और रूल को एस्टेब्लिश किया जाता है। क्यों? जस्टिफाई प्रिडिक्शन एक जस्टिस मोटिव के साथ, ठीक है? हो गया यहाँ पे रिवीजन इस डेफिनेशन वाले टॉपिक का। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक यहाँ पे जो डेफिनेशन डेफिनेशन इज और रिवीजन और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगती है दैट इज रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। उसमें हमने इमेमोरियल सर्टेनिटी ये सारे पॉइंट्स देखे थे, बट एक बार एक शॉर्ट नोट्स बन जाना है कि क्या क्या पॉइंट्स आए थे, तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना। बाकी ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ है रिवाइज करने को। एक मिनट, रिक्विजिट्स लिखो भैया। अरे काहे बेइज्जती करा देते हो। वेट वेट वेट, हाँ तो कहता है रिक्विजिट्स, इसका आई डाल देते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट है? पहला इमेमोरियल, दूसरा सर्टेनिटी, ऐसे सर्टेन लिख देती हूँ। थर्ड था रीजनेबल, फोर्थ था कंफॉर्मिटी, फिफ्थ था पीसेबल एंजॉयमेंट, उसके बाद 1 2 3 4 5 कंपल्सरी ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ सिक्स्थ यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, यूनानिमिटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। एक और बच गया है कंसिस्टेंसी। तो अगर हमें इसको याद रखना हो कि क्या क्या है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं? कितने सी आए हैं इसमें? सी आए हैं तीन, है ना? पहला सर्टेनिटी, दूसरा कंफॉर्मिटी, तीसरा कंसिस्टेंसी, और एक और सी आया है कंपल्सरी ऑब्जर्वेशन, है ना? तो चार तो सी हो गए इसमें। अगर हमें ऐसे याद रखने का हो तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। एक आई है जो कि है इमेमोरियल होना, फिर है आर, सी आई आर यू पी। तो क्या बोल सकते हैं हमको, हम इसको सी फोर आई आर यू पी सिरप। तो रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम याद करने का क्या तरीका हो गया? सी की पावर 4 IRUP। तो ये हो गया, सिरप आ जाएगा इसमें रीजनेबल ऑफ सॉरी रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड वैलिड कस्टम में। अब आ जाते हैं हम अपने स्टडी मैट पे जहाँ से हमें आगे का प्रोसीड करना है। हो गई है रिवीजन। अच्छा, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स वाले तो नोट्स पर नहीं है, तो पहले वो करते हैं। वाह, मैंने इतनी वीडियो शायद शूट कर ली, वो रिकॉर्डिंग ही हुई। ठीक है, दोबारा एक बार इसको बोलते हैं। हाँ, रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है, इसको एक बार दोबारा। जो भी मैंने जुडिशियल प्रेसिडेंट से स्टार्ट कराया था पिछला
अगर पता नहीं क्या मैंने कहाँ से जो बोला वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ। हमने जुडिशियल प्रेसिडेंट देखा, जुडिशियल प्रेसिडेंट में हमने मतलब पहले भी देखा था, लेकिन फिर यहाँ पे हमने नोट्स नहीं बनाए थे। प्रेसिडेंट, जुडिशियल प्रेसिडेंट, उसमें हम प्रेसिडेंट वर्ड को देखेंगे तो क्या है, प्रेसिडेंट वर्ड की डेफिनेशन तो जो दे रखी हुआ है, मीन्स सेट पैटर्न फॉर फ्यूचर कंडक्ट। कुछ पैटर्न है, पैटर्न यानी कोई एक केस आता है उसको किस पैटर्न में सॉल्व किया जा रहा है, इसका मतलब वही है। तो फ्यूचर में अगर सिमिलर केसेस आते हैं तो उनको उसी पैटर्न से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फिर बोला है जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है, हाउ, क्योंकि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो क्या है, प्रेसिडेंट वर्ड का मतलब क्या आया समझ में, कि पास्ट में जो केसेस सॉल्व हुए होंगे उन पे जो डिसीजंस लिए गए हैं, उन डिसीजंस को और उन पैटर्न्स को अगर सिमिलर केसेस आते हैं फ्यूचर में, और आते ही हैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं है कोई एक केस हो गया लाइफ में, उसके अलावा तो भैया आज तक ऐसा केस देखा ही नहीं है, मतलब ये केस तो पहली बार देख रहे हैं, ऐसा तो मतलब रेयर होता है, ठीक है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ हो गया, कैसे, क्योंकि अगर सेट पैटर्न है, अगर सिमिलर केसेस आ रहे हैं तो उससे क्या हेल्प मिलती है ना, अगर जैसे कि अब मर्डर केसेस होते हैं तो ऐसा तो नहीं बड़ी क्रिएटिविटी के साथ किसी ने नया मर्डर किया हो, ऐसा लगे पुलिस वालों को और कोर्ट को लगे अरे ऐसा मर्डर तो कभी देखा ही नहीं है, मतलब 21st सेंचुरी है, ये भी पॉसिबल ही है, बट फिर भी ठीक है। तो उसको उस पैटर्न से सॉल्व किया जाएगा। फिर अगर आप मर्डर के केस में चोरी वाला पैटर्न अपनाओगे तो वो तो नहीं होगा ना, सिमिलर केसेस की बात हो रही है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न्स की बात हो रही है और वो पैटर्न से हेल्प मिलता है फ्यूचर के केसेस में। हाई अथॉरिटी इंजॉय करता है, हाई अथॉरिटी कैसे नहीं इंजॉय करेगा भाई, लेजिस्लेशन की बात हो रही है, कस्टम तो चलो ठीक है कस्टम है हाई अथॉरिटी पे, बट जुडिशियल प्रेसिडेंट, अब लोग मतलब कि जितना बिलीव जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पे करते हैं या फिर लेजिस्लेशन पे करते हैं, उतना कस्टम, क्योंकि कस्टम में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनको हटाया गया है, जिनको डिमिनिश किया गया है, ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट में क्या है, हाई अथॉरिटी यहाँ पे इंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक वर्ड आया है, उस वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड नहीं है मतलब वो वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक डॉक्ट्राइन की बात की है, वो डॉक्ट्राइन क्या है, स्टेर डिसाइसिस या फिर आप स्टारे डिसाइसिस इसको बोलो, स्टेर डिसाइसिस बोला जाता है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेर डिसाइसिस, ठीक है, इस वर्ड की बात किया है। क्या है, द रूल दैट अ कोर्ट डिसीजन बिकम्स अ प्रेसिडेंट टू बी फॉलोड इन सिमिलर केसेस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेर डिसाइसिस। यानी कि कहा जा रहा है मतलब प्रेसिडेंट क्या है, इस ये जो डॉक्ट्राइन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, जो प्रेसिडेंट्स हैं यानी जो डिसीजंस लिए गए हैं पास्ट में, अगर सेम केसेस आते हैं तो उन डिसीजंस को फॉलो करना है, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेर डिसाइसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आ जाता है एक और पैराग्राफ है जिसमें क्या कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है उनको हमेशा करेक्ट क्यों माना जाता है, इज दैट अ जुडिशियल डिसीजन इज प्रेज्यूम्ड टू बी करेक्ट, ठीक है। जो प्रेसिडेंट्स यानी डिसीजन अभी तक आए हैं उनको ये कहा जा रहा है कि जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं ना हमेशा सही माने जाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ लिटिगेंट्स, द लॉ बिकम्स सर्टेन एंड नो दैट इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट एडवांटेज। कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है क्योंकि बहुत ही टाइम से उन डिसीजंस उन पैटर्न्स को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए उनको सही हमेशा अज्यूम किया जाता है। अब जहां बात जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी जुडिशियरी की हो गई है, वहां पे दो कोर्ट्स की बात तो आना मतलब मैंडेटरी ही है, मतलब कि है जैसे कि बोलते हैं ना कि राम के साथ लक्ष्मण आता है, तो यहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंट के साथ क्या दो वर्ड आएंगे, सबको पता है, सबको पता है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। देख लेते हैं ये भी क्या है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट्स क्या है, मतलब हाई कोर्ट से बड़ा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, ठीक है, सबको पता है। द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स होते हैं ना, लेकिन हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, और ट्रिब्यूनल्स उनके जुरिस्डिक्शन में जो आते हैं, हाई कोर्ट का वो डिसीजन उन सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के ट्रिब्यूनल्स पे क्या होगा, बाउंडेशन बाइंड हो जाएंगे वो उन डिसीजन से, ठीक है। तो हाई कोर्ट्स के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं किन पे, सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, और ट्रिब्यूनल्स
या ट्राइब्यूनल्स उनके जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। उसके बाद है द डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट हैव ओनली वन हैव ओनली परसुएसिव वैल्यू इन अ कोर्ट विच इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर हाई कोर्ट। इसको थोड़ा डिटेल में एक बार देखते हैं, यहाँ थोड़ा साइड मिला के। इसमें ये कहा जा रहा है कि मान लो एक हाई कोर्ट है, ठीक है, उसका उस हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है, लोअर कोर्ट पे एप्लीकेबल होगा। बट बाय चांस अगर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के डिसीजंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है या जो भी उनकी मान्यता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और हाई कोर्ट का डिसीजन ही उन पे क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल या बाइंड हो जाएंगे वो हाई कोर्ट के डिसीजन से। सिंपल सी ये बात कही जा रही है, और प्लीज़ इस शोर को इग्नोर करें, इन बालकों को कोई काम नहीं है। इसके बाद क्या देखना है हमें, यहाँ पे आगे लिखा है, सेकंड पॉइंट देखेंगे कि सिंगल जो बेंचेस की बात की गई है वो कैसे हैं, कैसे कौन से कितने जज कितने कौन से बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर देखो सिंगल बेंच है एक हाई कोर्ट में, जब बात हो रही है सिंगल बेंच की, सिंगल बेंच की जब बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम स्मॉलेस्ट बेंच। सिंगल बेंच में होता है स्मॉलेस्ट बेंच कहते हैं उसे, सिंगल बेंच नहीं सिंगल जज। जब सिंगल जज होता है तो उसे कहते हैं स्मॉलेस्ट बेंच। ठीक है, इसके बाद है जब दो जजेस होंगे, टू जजेस, तो उसको माना जाएगा डिवीजन बेंच, राइट, डिवीजन बेंच। और जब तीन या तीन से ज्यादा, थ्री, और मोर देन थ्री, मोर देन थ्री जजेस होंगे तब क्या होगा, उसे बोलेंगे हम फुल बेंच। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं हम अपने सुप्रीम कोर्ट वाले पॉइंट पे। ये तो पढ़ लिया हमने हाई कोर्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट वाले जो लॉज हैं वो क्या है, कि जो हाई कोर्ट से नीचे जो लोअर कोर्ट्स आते हैं उन पे उनके लॉ बाइंड करेंगे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो लॉज या ऑर्डर होंगे वो किसके अंडर, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो क्या होता है कि, देखो इसको डेफिनेशन से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बाउंडेशन की बात करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई किसी का ऑर्डर बाइंड करता है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फेडरल कोर्ट्स के ऑर्डर से बाउंड नहीं होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी फेडरल कोर्ट या कोई सा भी कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर्स में बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है, बाइंड नहीं कर सकता कहा है मैंने। सुप्रीम कोर्ट बाकी कोर्ट्स को अपने लॉ ऑर्डर से बाइंड कर सकती है, सबको पता है। अब आ जाते हैं हम अपने किस पॉइंट पे, काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट वाले पॉइंट पे। काइंड्स प्रेसिडेंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या प्रेसिडेंट्स में टाइप्स आते हैं, प्रेसिडेंट्स यहाँ आ जाते हैं हम इस पॉइंट पे, यहीं से पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डिक्लेरेटली, डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स, फिर आता है परसुएसिव प्रेसिडेंट्स, और उसके बाद आता है एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। कितने टाइप के हो गए, चार टाइप के प्रेसिडेंट्स होते हैं, डिक्लेरेटली ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स, परसुएसिव प्रेसिडेंट्स, एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स, कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। डिक्लेरेटिव में क्या मतलब होगा, डिक्लेरेटली प्रेसिडेंट्स कहा गया है, तो डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू सेमन, और डिक्लेरेटली प्रेसिडेंट इज वन विच इज मेयरली द एप्लीकेशन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ। यानी कि जो ऑलरेडी लॉ है
उसी का एप्लीकेशन बताना, ठीक है, उसी के एप्लीकेशन को डिक्लेयर करना. एन ओरिजिनल प्रेसिडेंट इज वन विच क्रिएट्स एंड अप्लाइज अ न्यू रूल ऑफ लॉ. इन द केस ऑफ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट द रूल इज अप्लाइड बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ लॉ. डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो रूल अप्लाई होते हैं. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक लॉ बना हुआ है, तो डिक्लेयर कर दिया गया है कि इस लॉ को अप्लाई करना है एज रूल. ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई नया लॉ नहीं लाया गया, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी को अप्लाई किया जा रहा है, उसी को अप्लाई करवाया जा रहा है. इन द केस ऑफ एन ओरिजिनल प्रेसिडेंट, हम नेम से भी समझ सकते हैं ना कि अब जैसे कि हम अगर हम ये डेफिनेशंस को ना भी पढ़ें तो यहाँ डिक्लेरेटरी की बात हो रही है, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग होगा, ये ओरिजिनल बोला है, ओरिजिनल वर्ड का यूज किया गया है. तो अगर हमको ये एक्सप्लेन करने में आ गया, अगर हम ये सिर्फ पॉइंट्स याद रखते हैं कि भैया इतने टाइप के प्रेसिडेंट्स होते हैं, तो हम इनको डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में. बस हमें इसके मीनिंग्स को इंटरनली समझने की ज़रूरत है. तो ओरिजिनल प्रेसिडेंट यानी कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है जिसको अब अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, इट इज लॉ फॉर द फ्यूचर बिकॉज इट इज अप्लाइड नाउ, इट इज नाउ अप्लाइड. इन द केस ऑफ एडवांस्ड कंट्री डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स आर नाउ आर मोर न्यूमरस, मतलब कि ज़्यादातर डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स ही होते हैं. द नंबर ऑफ ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स इज स्मॉल बट देयर इम्पॉर्टेंस इज वेरी ग्रेट. ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स जो होते हैं कम होते हैं लेकिन उनकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होती है. इंग्लिश और इसको हिंदी में ट्रांसलेट ही करना है. दे अलोन डेवलप द लॉ ऑफ द कंट्री. ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या है, वही कंट्री का लॉ अपने आप डेवलप करते हैं. ठीक है, दे सर्व एज गुड एविडेंस ऑफ लॉ फॉर द फ्यूचर. अ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट President is a as good a source of law as an original president. The legal authority of both is exactly the same. Declaratory and original president आपको अगर differentiate वैसे होगा नहीं, but अगर हम यहाँ declaratory रख दें और यहाँ पे original रख दें तो हमारे पास क्या क्या point आ रहे हैं. Declaratory president क्या है, existing rule है, ठीक है, उसका application. और यहाँ पे original president क्या है, एक लॉ फ्यूचर के लिए बनाया गया है जिसको अप्लाई किया, अभी अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट वो हो गया. तो हम लिख सकते हैं फ्यूचर लॉ फॉर द फ्यूचर. ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स क्या है, ज्यादा है मतलब कि न्यूमरस है या कम है, तो लार्ज इन नंबर है. बट ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या है, स्मॉल है, स्मॉल इन नंबर बट इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, द लीगल अथॉरिटी ऑफ बोथ इज एग्जैक्टली द सेम. लीगल अथॉरिटी दोनों की सेम है. ठीक है, परजुसिव का मतलब क्या होता है, परज्यू का क्या मतलब होता है, जो चीज आप फॉलो कर रहे हो. ठीक है, इन प्रेजेंट में आप फॉलो कर रहे हो. तो अब परजुसिव प्रेजिडेंट इज one which the judges are not obliged to follow but which they will take into consideration and to which they will attach great weight as it seems to them to deserve. ठीक है, a persuasive, एक मिनट हाईलाइटर, यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं. a persuasive precedent therefore is not a legal source of law बट इज रिगार्डेड एज हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ. इसको हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है. परजुसिव यानी कि जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, मतलब जिसको कहा नहीं गया है कि आप फॉलो करो, या फिर जिसको एक्ट में नहीं लिखा गया है, या फिर आपको उसको फॉलो करना कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है, बट इसको फॉलो किया आ रहा है, फॉलो करते अभी तक आ रहे हैं, या फिर किया जा रहा है उसको एक सही सेंस में. Thus in India the decision of one court, high court are only persuasive precedents in the other high courts. The ruling of English and American courts are persuasive precedents only. Obiter dicta also have only persuasive value. ये जो persuasive value है ना, इसको हम obiter dicta में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे. Obiter dicta क्या है, obiter dicta का अगर हम चलो इसको हम obiter dicta वाले पॉइंट में ही अच्छे से समझेंगे. इसके बाद आ जाता है परजेसिव प्रेसिडेंट क्या है, कि आप उसके लिए कोई आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको उसको फॉलो करना है, लेकिन एक
ग्रेट वेटेज है, मतलब कि उसको अगर आप मतलब कि ऐसा लॉ है जो डिजर्व करता है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और लेकिन उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, फिर कोई लीगल सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, परसुएसिव प्रेसिडेंट, ठीक है, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। और इसी की तरह है कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। तो कंडीशनली और एब्सोल्यूट में हम मतलब समझ सकते हैं ना कि एब्सोल्युटली मतलब करना है तो करना है, और कंडीशनली मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आ जाते हैं हम यहाँ पे, एन अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट इज वन विच जजेस मस्ट फॉलो। एब्सोल्युटली का मतलब क्या है, मस्ट फॉलो, चाहे वो इफ इज वन विच जजेस मस्ट फॉलो, जजेस को फॉलो करना होगा, चाहे वो उसको अप्रूवल दे या ना दे। Its binding force is absolute and the judge's discretion is altogether excluded as he must follow it. मतलब अगर जजेस इसको डिस्क्रीट करते भी हैं, फिर भी उनको ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बाइंड करता है आपको, ठीक है। सच अ डिसीजन हैज अ लीगल क्लेम टू इम्प्लिसिट ओबीडियंस। हाँ, तो कहाँ थे हम, As he must follow it, such a decision has a legal claim. Legal claim है implicit obedience. Even if the judges consider it wrong, मतलब कि legally है, अगर judges को ये गलत लगता भी तो भी उनको follow करना होगा. Unlike a persuasive precedent, persuasive precedent में क्या था, अगर judges को वो गलत लगता है तो वो नहीं follow करेंगे, अगर उनको सही लगता है तो उसको follow करेंगे. Persuasive precedent में है, which is merely historical, यानी persuasive precedent क्या होते हैं, मतलब कि merely historical होते हैं. एंड अथॉरिटेटिव प्रेजिडेंट इज अ लीगल सोर्स ऑफ लॉ. हमने पढ़ा परसुएसिव प्रेसिडेंट जो है लीगल सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, बट अथॉरिटेटिव क्या है, लीगल सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है. एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेजिडेंट्स इन इंडिया, एब्सोल्यूटली अथॉरिटेटिव प्रेजिडेंट्स इन इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मान्यता है इंडिया में. इंडिया में हर कोर्ट इज एब्सोल्युटली बाउंड बाय डिसीजन ऑफ कोर्ट्स सुपीरियर टू इटसेल्फ. द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट. जो भी कोर्ट है ये बात करी जा रही है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की, अगर बात करें तो जो हाई कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन को सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को फॉलो करना ही है. उसी तरीके से चलो इसको यहाँ पे इसी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, कोई एग्जांपल ऐड ना करते हुए, कि हाई कोर्ट्स के जो डिसीजन होंगे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को फॉलो करना होगा, ठीक है. तो एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट की इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, कि जो भी एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स इन इंडिया में प्रेसिडेंट्स इन इंडिया, उसमें अगर हाई कोर्ट या कोई भी सुपीरियर कोर्ट अगर नीचे लोअर कोर्ट को कोई ऑर्डर देता है तो वो बाउंड हो जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए, टू विच दे आर सबॉर्डिनेट, ठीक है. अ सिंगल जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ अ बेंच ऑफ टू और मोर जजेस. यानी कि अगर सिंगल जज की बात करें, स्मॉलेस्ट बेंच की बात करें, तो उनको डिवीजन बेंच या फिर फुल बेंच की बातें माननी पड़ेंगी. इसी तरीके से ऑल कोर्ट्स आर एब्सोल्युटली बाउंड बाय डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और जितने भी कोर्ट आते हैं, यही बात मैं हाई कोर्ट के पॉइंट पे कहना चाह रही थी, कि जितने भी कोर्ट्स आते हैं उनको फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी, है ना, समझ गए इसको हम. ओके, In England, decision of House of Lords are absolutely binding not only upon all inferior courts but even upon itself. England के जो decisions होते हैं, England में जो decisions लिए जाते हैं House of Lords करके, वो क्या है, सारे inferior courts को भी मानना पड़ेगा और खुद को House of Lords को भी ये मानना पड़ेगा. The decision of the Court of Appeal are absolutely binding upon itself. यानी कि जो भी डिसीजन कोर्ट के होते हैं, अपील के हो चाहे कैसे भी हो, वो उन पे भी वो बाउंडेशन लगा देते हैं और वो भी उसमें बाउंड हो जाते हैं, ठीक है. कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स, कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स क्या है, दो ऑर्डिनरली बाइंडिंग ऑन द कोर्ट बिफोर विच इट इज साइटेड इज लाइबल टू बी डिसरिगार्डेड इन सच सर्कमस्टांसेस. द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू डिसरिगार्ड अ डिसीजन If it is wrong one, contrary to law and reason. यानी कि conditionally authoritative precedents का मतलब ये है कि जो courts होते हैं, अगर उनको वो जो भी decision है वो उसको disregard कर सकते हैं, किसी भी decision को अगर उनको लगता है कि गलत है या फिर कोई और law के against में जा रहा है या contrary हो रहा है या फिर reason है उनको उस चीज़ को disregard करने का,
ठीक है, यानी सर्टेन सर्कमस्टांसेस, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसी है जो उनको डिसरिगार्ड किया जा सकता है ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली को नहीं मतलब कि किसी भी प्रेसिडेंट को डिसरिगार्ड किया जा सकता है, ठीक है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस द डिसीजन ऑफ अ सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट इज एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव सो फार एज सबऑर्डिनेट जुडिशरी इज कंसर्न, बट इट इज ओनली कंडीशनली अथॉरिटेटिव व्हेन साइटेड बिफोर अ डिविजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट। यहाँ पे हमारा जो कौन सा पॉइंट था, काइंड ऑफ प्रेसिडेंट वाला पॉइंट था, मतलब कि कंडीशनली अथॉरिटेटिव में बात वही हो रही है कि अगर जजेस को ये लगता है या फिर जो मतलब कि जो डिसीजन लेने वाले हैं कोर्ट को ये लगता है कि डिसीजन हमें डिसरिगार्ड कर देना चाहिए या फिर इस प्रेसिडेंट को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, तो वो उसको ना भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रीज़न होना चाहिए, या फिर वो लॉ के कॉन्ट्रेरी हो रहा है, या फिर कुछ भी अगर गलत जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव मैं भैया कह दिया मतलब कह दिया, इसके बाद कोई और बात नहीं होगी, बाउंडेशन तुम इसमें बाउंड हो जाते हो मतलब हो जाते हो, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, ये अब देखना डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस क्या है। इससे पहले आई थिंक दैट वी शुड मेक नोट्स ऑफ काइंड ऑफ प्रेसिडेंट्स वाला पॉइंट के, इंग्लिश हो गया इंग्लिश, यहाँ आ जाते हैं नोट्स पे। हमने देखा काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स वाला टॉपिक, राइट। तो काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट में क्या क्या पॉइंट्स आए थे उनको यहाँ लिख लेते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, पहला देखा हमने, क्या देखा, डिक्लेरेटरी और इसके साथ ओरिजिनल। दूसरा देखा हमने परजुएसिव, चार ही तो पॉइंट थे, परजुएसिव, उसके बाद थर्ड देखा हमने एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, कंडीशनली अथॉरिटेटिव। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना डॉक्ट्राइन वाले चैप्टर टॉपिक पे, डॉक्ट्राइन वाले टॉपिक पे। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, डॉक्ट्राइन ऑफ शेयर डिसाइसिस क्या कहता है। लेट्स मूव ऑन टू पीडीएफ वाला पार्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ शेयर डिसाइसिस क्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि ऐसे डिसीजन जो कि डू नॉट सेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश्ड, इट इज यूजफुल डॉक्ट्राइन इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ। ये डॉक्ट्राइन क्या है कि जो कि सर्टेनिटी और यूनिफॉर्मिटी, हाँ तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम क्या देख रहे थे, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। हमने इसमें देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस क्या है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं या फिर चीज़ें यानी कि क्या लॉ या जो बातें बोली गई है उनको अनसेटल या फिर उनमें कोई ऐसा नहीं अनसर्टेनिटी नहीं लाता। डॉक्ट्राइन, इस डॉक्ट्राइन का इंटेंशन क्या है, टू ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ, ठीक है। सर्टेन बनाना लॉ को, एक सही तरीके से उसको समझने के लिए एबल रखना, इसमें कुछ ऐसा मिक्स ना करना,
ठीक है, अंडर द स्टेयर डिसाइसिस डॉक्ट्रिन अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ व्हिच हैज बिकम सेटल्ड बाय अ सीरीज डिसीजन जनरली इज बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स एंड एंड नीचे हो जाओ बी फॉलोड इन सिमिलर केसेज. इन सिंपल वर्ड द प्रिंसिपल मीन्स दैट लाइक केसेज शुड बी डिसाइडेड अलाइक, जैसे केसेज हैं उनके डिसीजन उसी अकॉर्डिंग आने चाहिए. द रूल इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी ऑल द डॉक्ट्राइन शुड बी स्ट्रिक्टली अधेयर बाई द कोर्ट्स. इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कि जो जैसे कोर्ट्स हैं ये डॉक्ट्राइन कैसे कि मतलब जैसे केस हैं वैसे फॉलो इनको करना चाहिए. डॉक्ट्राइन इस डॉक्ट्राइन का कहना मतलब ये है शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ रिजिड एंड इनएविटेबल डॉक्ट्राइन विच मस्ट बी अप्लाइड एट द कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस का मतलब क्या है, मेन मोटिव क्या है कि मतलब जैसे केस है उनको उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाए, उसी तरीके से उनके जजमेंट्स आए. ठीक है, पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है और यूनिवर्सल नहीं है. ऐसा नहीं कि मतलब कि जहाँ मन करे वहाँ पे ये एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है. जैसी केसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेबिलिटी इनकी होती है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपना रेशियो डेसिडेंडी पे. तो रेशियो डेसिडेंडी वाला पॉइंट, हाँ रेशियो डेसिडेंडी वाला पॉइंट नोट्स में नहीं, यहीं पे करते हैं. एक मिनट, रेशियो डेसिडेंडी अगर हम ऊपर ऊपर से इसकी बात करें तो रेशियो डेसिडेंडी क्या है, जुडिशियल डिसीजन है. जो प्रिंसिपल है वो जुडिशियल डिसीजन की बात करते हैं, अथॉरिटेटिव इन नेचर है जिनको कहा जाता है रेशियो डेसिडेंडी. यानी कि कैसे जुडिशियल डिसीजन, जहाँ पे डिसीजन को क्या है कि इस तरीके से लाया जाए जो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं उन पे बात करी जाए, ना कि मतलब मटेरियल फैक्ट्स को हटा के मटेरियल जिनकी जरूरत नहीं है उनके उन पे नहीं, मटेरियल फैक्ट्स पे यहाँ पे इनकी बात होती है. रेशियो डेसिडेंटी का मतलब ये है, पूरा एक बार पढ़ लेते हैं. द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ अ जुडिशियल डिसीजन, और ये रेशियो डेसिडेंटी वाला अगर आपने पूरा पैराग्राफ याद करके लिख लिया पूरी अच्छी लैंग्वेज में, ठीक है, तो फिर शॉर्ट नोट्स के तो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. अगर शॉर्ट नोट्स में भी आ गया या फिर कमेंट में भी आ गया तो द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ अ जुडिशियल डिसीजन विच इज ओनली अथॉरिटेटिव इज टर्म्ड एज रेशियो डेसिडेंडी. यानी कि जुडिशियल डिसीजन के प्रिंसिपल्स की बात हो रही है जो कि अथॉरिटेटिव इन नेचर है, उनको क्या कहा जाता है, रेशियो डेसिडेंडी कहा जाता है. द प्रोपोजिशन ऑफ लॉ विच इज नेसेसरी, जब यहाँ पे बार बार हो रही है मेन कोल्ड का इशू. ठीक है, द प्रोपोजिशन ऑफ लॉ विच इज नेसेसरी फॉर द डिसीजन, यानी कि उस केस के डिसीजन, उस केस के जजमेंट के लिए जो लॉ का प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं है कि सबको उठा के ले, मतलब कि कोई केस है उसमें सारे के सारे लॉ की बातें कर दी गई है और जिसकी उसकी जिसमें मतलब कि उस केस में जिस लॉ की जरूरत थी भी नहीं उनको भी ला दिया गया है, मतलब कि मटेरियल फैक्ट्स को हटा के, वो नहीं होना चाहिए. और कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिसीजन कॉन्स्टिट्यूट द रेशियो. द कॉन्क्रीट डिसीजन इज बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू, जो जो डिसीजन होगा वो किन के बीच में मतलब कि किन पार्टीज को बाइंड, मतलब कि वो जो केस से रिलेटेड जो पार्टीज है उनको वो डिसीजन क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा. द एब्स्ट्रैक्ट रेशियो डेसिडेंडी अलोन अलोन हैज द फोर्स ऑफ लॉ एज रिगार्ड द वर्ल्ड एट लार्ज. ठीक है, रेशियो डेसिडेंडी का एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि उसमें खुद ही इतनी पावर है कि वो पूरा मतलब कि फोर्स रखता है कि वो जो रेशियो डेसिडेंडी है, रेशियो डेसिडेंडी का मतलब क्या है कि ऐसा जजमेंट जो कि जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है सबको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो रेशियो डेसिडेंडी हैज अलोन द पावर. द अथॉरिटी ऑफ अ डिसीजन एज अ प्रेसिडेंट लाइज इन इट्स रेशियो डेसिडेंडी. प्रोफेसर गुडहाट ने क्या कहा है, रेशियो डेसिडेंडी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे डिसीजन है जो कि मटीरियल फैक्ट पे बेस्ड है उस केस के, जहाँ पे वेयर एन इशू रिक्वायर्स टू बी आंसर्ड ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स पे प्रिंसिपल्स को बीच में लाया जाए तो वहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल्स आर डिड्यूस बाय वे ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स. जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको सामने लाया जाए, इन मटेरियल फैक्ट्स को निकाल के उसको कहा जाता है रेशियो डेसिडेंडी. एंड सच प्रिंसिपल इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू दैट केस बट टू अदर केसेज विच आर सिमिलर ऑफ नेचर. और ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ उसी केस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, उससे सिमिलर जितने भी केसेस होंगे उन पे भी ऐसे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल किए जाएंगे. ठीक है,
इट इज रेशियो डिसीडेंटी और द जनरल प्रिंसिपल विच हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट एज अ प्रेसिडेंट एंड नॉट द ऑर्बिटर डिक्टम. रेशियो डिसीडेंटी या जनरल प्रिंसिपल ही है जो कि बाइंडिंग इफेक्ट रखता है. ऑर्बिटर डिक्टम में वो पावर नहीं है. ऑर्बिटर डिक्टम अभी देखते हैं क्या है. ऑर्बिटर डिक्टा द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस लैटिन एक्सप्रेशन इज सेड बाय द वे. द एक्सप्रेशन इज यूज स्पेशली टू डिनोट दोज जुडिशियल अटरेंस इन द कोर्स ऑफ डिलीवरिंग अ जजमेंट विच टेकन बाय देमसेल्फ वर नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर द डिसीजन ऑफ द पर्टिकुलरली इशू रेज्ड. ऑर्बिटर डिक्टम क्या है? ऑर्बिटर डिक्टा क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको कह दिया गया है. मतलब कि जुडिशियल अटरेंस यानी कि जजमेंट देने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं था कि उस लॉ को इतने मतलब कि जो लॉ स्टेटमेंट्स थे उसको रीड आउट करने में या जजमेंट डिलीवर करने में कुछ अटरेंस आ रही थी जिनको कह दिया गया है, और ऐसा नहीं कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसकी कोई ज़रूरत थी किसी भी डिसीजन को रेस करने के लिए, उस इशू में उस डिसीजन को लाने के लिए उसकी ज़रूरत थी, ऐसा नहीं है. लेकिन एक मिनट, इनका मधुर गीत चल रहा है. अगर मुझे ऑर्बिटर डिक्टा वाले पॉइंट को किसी एग्जांपल में बताना हो ना, तो मैं क्या बोलूँगी? ऑर्बिटर डिक्टा क्या है? मेरे एक ओपिनियन की बात है. मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट में जज हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, बट अगर मान लो ऐसा है तो कोई केस है जहाँ पे ना डिसीजन देने में एक प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक क्लियर मीनिंग देने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं किसी पुराने केस का एग्जाम्पल लेकर उस जजमेंट को दूंगी. तो वो क्या हो गया कि मतलब उस मेरे जो ओपिनियन की बात थी या उस केस का रेलिवेंसी यहाँ पे कोई रेलिवेंट, मतलब कि उस केस का एग्जाम्पल को कोई यहाँ पे रेलिवेंसी नहीं था. ऐसे नहीं था कि मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि मुझे, या फिर मैंने अगर अपना ओपिनियन दिया है तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए. बस उस अटरेंस को रिमूव करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, वो जजमेंट क्लियरली दे पाऊँ मैं, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल को लिया. तो ये क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, एक एक्सप्रेशन हो गया कि किसी भी जजमेंट को देने के लिए वो जो जुडिशियल अटरेंसेज आ रहे थे ना उस जजमेंट में, उसको रिमूव किया गया है उस एक्सप्रेशन के थ्रू. ठीक है, वो ओपिनियन है. ऐसा नहीं है कि मतलब कि पर्टिकुलरली फॉलो करना है, ये करना है, मतलब रेशियो डेसिडेंटी यहाँ पे वाली बात नहीं. यहाँ पे रेशियो डेसिडेंटी यहाँ एक जनरल प्रिंसिपल था जो कि बाइंड कर देता है, ठीक है, पार्टीज को बाउंड कर देता है. बट यहाँ पे वो नहीं, मेरा ओपिनियन था, मैंने दे दिया, जो कि कॉन्ट्रेरी अगर होता या फिर जो अटरेंस आ रही है उसको क्लियर कर दिया गया है मेरे उस ओपिनियन की वजह से. ठीक है, द जजेस आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम ऑल दो दे कैन टेक एडवांटेज बाय देम. अगर मैंने कहा कि मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मान लो कि जजेस क्या कर सकते हैं, जो पिछले केसेस हुए उनके एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो ये नहीं कि जो केस पिछले केसेस में जो डिसीजन लिया गया उनको ही फॉलो करना है, सेम उसी तरीके से एक एग्जाम्पल, ठीक है, उसका एडवांटेज. और ऐसा नहीं कि उसको फॉलो ही करना है, उससे सीख सकते हैं. दे समटाइम हेल्प द कॉज ऑफ रिफॉर्म ऑफ लॉ. अब अगर किसी भी लॉ में कोई इशू है, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो फिर मतलब कि ऐसा हो सकता है ना यार, पिछले केस में ये प्रॉब्लम थी, इस अटरेंसेस की वजह से, ये जो लिखा गया है ना इस लॉ की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी, तो अगर हम क्यों ना उस वर्ड को ही रिमूव कर दे, अगर जैसे उस जो भी जिस भी वजह से वो प्रॉब्लम इशू रेज हो रहा है उसको ही रिमूव कर दिया जाए, या उसी का एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आ जाए, तो बात अलग हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे वो जो इशू या फिर अटरेंस आता है वो रिफॉर्म ऑफ लॉ भी हो सकता है. ठीक है, ऑर्बिटर डिक्टा डिफरेंट काइंड एंड वेरिंग डिफरेंट सॉरी वेरिंग डिग्री ऑफ वेट. अलग अलग तरीके के होते हैं ऑर्बिटर डिक्टा. डेलिब्रेट एक्सप्रेशन भी होते हैं. ठीक है, ऑफ ओपिनियन गिवन आफ्टर कंसिडरेशन ऑन अ पॉइंट क्लियरली ब्रॉट एंड आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट. यानी कि किसी भी एक पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट हुआ है, वहाँ पे एक ओपिनियन दिया गया है, तो उसको भी कहते हैं ऑर्बिटर डिक्टा. It is quite often too difficult for lawyers and court to see whether an expression is a ratio of judgment or just a casual opinion. यानी कि lawyers और courts के लिए थोड़ा difficult होगा ये देखना कि जो expression या फिर जो opinion, जो expression दिया गया है वो judgment के लिए सही है कि नहीं, या फिर एक casual opinion, यानी कि भैया हमें ऐसा लगता है, judge ने अपने opinion दे दिया है. ठीक है, तो वो क्या जजमेंट के लिए रेशियो उसमें होनी चाहिए. रेशियो मतलब कि वो जजमेंट के लिए सही होना चाहिए. ऐसा नहीं अपना ओपिनियन जो मर्जी वो दे दिया, ओपिनियन भी जो होना चाहिए वो जजमेंट के लिए सही होना चाहिए. इट इज़ ओपन नो डाउट टू अदर जजेस टू गिव अ डिसीजन कॉन्ट्रेरी टू सच ऑर्बिटर डिक्टा.
क्लियर है यहाँ पे पॉइंट खत्म हो गया। रेशियो डिसेंडेंडी का मतलब क्या था, एक जनरल प्रिंसिपल की बात हो रही थी जो कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनके ऊपर वो बाउंडेशन लगा देता है, मतलब उनको फॉलो करना है, मतलब करना हो भी तो ठीक ठाक है, फॉलो नहीं करना बट आप एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है उस एक्सप्रेशन से। अब आता है स्टैच्यूट और लेजिस्लेशन, ऑर्बिटर डिक्टा वाला पॉइंट हो गया है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए। अब जाते हैं अपना स्टैच्यूट्स और लेजिस्लेशन वाले पॉइंट पे। देन वी हैव स्टैच्यूट्स और लेजिस्लेशन के बाद, चल पहले ये तो देख लें, पहले ये तो देख लें, फिर स्टैच्यूट्स के बाद देखेंगे पर्सनल लॉ है। स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन क्या, लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इट्स इन द विच कंसिस्ट कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन और प्रमिलगेशन, बड़ा ही भारी शब्द है, ऑफ लीगल रूल्स बाय एन अथॉरिटी ड्यूली एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट बिहाफ। लेजिस्लेशन क्या एक सोर्स है जो कि डिक्लेरेशन देता है, मतलब कि जो भी लीगल रूल्स हैं उनको फॉलो कर उनको डिक्लेयर करता है, ठीक है फॉलो नहीं, वो एग्जीक्यूटिव होता है वो फॉलो करवाते हैं, बट लेजिस्लेशन क्या उनको डिक्लेयर करता है उन रिटन रूल्स को, रिटन लॉ भी हो सकता है ठीक है, अनरिटन लॉ भी हो सकता है, समटाइम्स कॉल्ड जस स्क्रिप्टम रिटर्न लॉ एज कंट्रास्टेड विद द कस्टमरी लॉ। ये कस्टमरी तो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे कस्टमर से मरता हुआ ही याद आता है बस, और जस्ट नॉन स्क्रिप्टम दैट इज अनरिटन लॉ, ठीक है। साइमन प्रेफर्स टू कॉल इट एज इनएक्टेड लॉ, स्टैच्यूट लॉ और स्टैच्यूटरी लॉ इज वॉट इज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेशन। स्टैच्यूट लॉ क्या है, जो लेजिस्लेशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इज आइदर सुप्रीम और सबॉर्डिनेट डेलीगेटेड, ठीक है। तो जो लेजिस्लेशन ने क्रिएट किया उनको बोलते हैं स्टैच्यूट लॉ या फिर स्टैच्यूटरी लॉ, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हमारा सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड्स फ्रॉम द सॉवरेन पावर इन द स्टेट और विच डिराइव इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है, जिनको पावर सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है या फिर स्टेट की पावर से वो चलते हैं, ठीक है। इनको रिपील नहीं किया जा सकता, अनल्ड नहीं किया जा सकता, कंट्रोल कंट्रोल भी नहीं कर सकते बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ठीक है। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड्स फ्रॉम एनी अथॉरिटी। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेशन जिनको सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है, जिनको रिपील नहीं कर सकते, अनल्ड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है, जिनको किसी भी अथॉरिटी से पावर नहीं दी गई है अदर देन सॉवरन पावर, ठीक है। इट इज डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होता है अपने कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, एंड वैलिडिटी ऑन सम सुपीरियर अथॉरिटी। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पोसेसेस द पावर ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन की पावर कौन वो करता है, होल्ड करता है, पोजेस करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेटिव पावर्स हैव बीन गिवन टू द जुडिशियरी एज द सुपीरियर कोर्ट्स आर अलाउड टू मेक रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर ओन प्रोसीजर्स। सुप्रीम कोर्ट्स क्या करती है, अलाउ करती है रूल्स बनाने के लिए अपने खुद के प्रोसीजर्स के लिए। लेजिस्लेटिव पावर्स हैव बीन गिवन टू द जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव पावर किसको दी गई है, जुडिशियरी को दी गई है। एग्जीक्यूटिव किसको दी गई है, जिनका मेन फंक्शन क्या है, टू इन्फोर्स द लॉ। तो इन सम केसेस द पावर टू मेक लॉ, तो एग्जीक्यूटिव एनफोर्स तो कराते ही उनका वो मेन काम है, बट कभी कभार क्या करता है, इन सम केसेस द पावर टू मेक रूल्स, वो रूल्स भी बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम वही पढ़ेंगे कि एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है, फिर प्रेसिडेंट गवर्नर की पावर्स क्या है, कॉर्पोरेशन क्या है, म्यूनसिपैलिटीज क्या है, ठीक है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड आर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन के अंडर जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना पर्सनल लॉ पे। पर्सनल लॉ क्या है, यानी कि जैसे मैं हिंदू हूँ तो हमारे जो हिंदू उसमें लॉ वो होते हैं, जैसे वेदास और स्मृति श्रुति जो है, जो हमारे वेदास में इंक्लूडेड है, तो क्या है क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलर लॉ जो होता है, वो जो खुद के लॉज अपने बनाते हैं, वो जो खुद के लॉ फॉलो करते हैं, कि हमारे में शादी अलग तरीके से होती है, डाइवोर्स का वे अलग है, फिर मुस्लिम्स में अलग तरीका है, वो एक अलग उसको फॉलो करते हैं, होली बुक को फॉलो करते हैं, हम अलग होली होली बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया पर्सनल लॉ, ठीक है। और पर्सनल लॉ फॉलो करने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि पर्सनल लॉ ऐसा नहीं है कि हर कम्युनिटी पे एप्लीकेबल होगा, जिसके अपने जो लॉज होंगे वो उनकी कम्युनिटी पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। Take a deep breath, Anjali.
द कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज वेयर द पॉइंट एट इशू इज नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैचुटरी लॉ और कस्टम. हिंदूज के केस में क्या है, उनका पर्सनल लॉ किस में पाया गया, श्रुतिज, जो कि हमारे चार वेदों में है. चार वेद कौन से हैं, कौन से हैं चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. आई थिंक अथर्व, बेस्ती नहीं करानी, कोई नहीं, नहीं पता हमें कौन से लॉ है, बता दो अपने आप ही. वेदास यही है, ऋग्वेद है, ठीक है कोई बात नहीं, होता है. द स्मृतिज विच आर रिकलेक्शन हैंडेड डाउन बाय द ऋषिज. स्मृतिज क्या है, हमारे जो जो ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने जो एंशियंट टीचिंग्स थी, जो गॉड के बारे में प्रसेप्शंस थे मतलब हैं, जो भी कमेंट्रीज हैं, उनकी स्टोरीज हैं, उनको कहाँ उतारे, स्मृति इसमें उतारा है अपने हाथों से, ठीक है. हैंडेड डाउन बाय मतलब हाथों से, यानी खुद उन्होंने जो लिखी है उनको कहते हैं स्मृतिज. एंशियंट टीचिंग्स हैं, उनमें प्रिसेप्ट ऑफ गॉड है, कि गॉड की एग्जिस्टेंस कैसे है कैसे नहीं है. उनकी स्टोरीज जो हम देखते हैं, शिव पुराण है, जो भी महादेव की स्टोरीज है, वो क्या है, स्मृतिज, यानी ऋषियों के द्वारा ही हमें पता चली है, ठीक है. द कमेंट्रीज रिटन बाय वेरियस एंशियंट ऑथर्स ऑन दी स्मृतिज, उन्हीं स्मृतिज में कमेंट्रीज हैं अलग अलग ऑथर्स की. देर आर थ्री मेन स्मृतिज, द कोड्स ऑफ मनु. मनु कौन थे, जो मतलब कि ब्रह्मा के बनाए हुए पहले इंसान थे, ठीक है. और ये क्या है, यजना वाक्य एंड नरादा, या नारदा, या नरादा, नरादा ही है, ठीक है, नारदा होगा, है. ये तीन चीजें क्या है, मनु, यजना वाक्य, हमें तो बस आज तक हनुमान चालीसा और शिव पुराणी सुनने में आया है और रामलीला देखी है, बट बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं अभी ये जो स्टूडेंट्स पढ़ के, ठीक है. हिंदूज आर गवर्न बाय देयर पर्सनल लॉ. और यहाँ पे कोई अब ये ना बोलने लगे कि भैया हम तो क्या है, एंटी नेशनल है, या फिर क्या बोलते हैं, एंटी हिंदू है. नहीं, इतना डीप में किसी को नहीं पता होता है तो उससे कोई एंटी नहीं हो जाता. तो पर्सनल लॉ एज मॉडिफाइड बाय स्टैट्यूट लॉ एंड कस्टम इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, अडॉप्शन, को पेरेंट. एक मिनट, ये वर्ड क्या है भाई, देखते हैं यहाँ पे. वर्ड यूज किया है को पार्टनर, इसका मीनिंग, इसका एग्जिस्टेंस कैसे है, क्या है. को पार्टनर क्या होते हैं, जो HUF में मेंबर्स होते हैं, ठीक है, HUF के जो मेंबर होते हैं, उसमें जो फैमिली का कर्ता होता है उसको क्या बोला जाता है, मतलब कि फैमिली का कर्ता क्या हो गया, कर्ता यानी जो मेन मेंबर होता है, ठीक है. जितने भी मेल, अभी मैंने मेन बोला था, MAIN वाला, जितने मेल मेंबर होते हैं उनको को पार्टनर कहा जाता है, ठीक है, जिनका इक्वली राइट है उस प्रॉपर्टी में, ठीक है. अब क्या फीमेल मेंबर्स जो हैं वो भी को पार्टनर की तरह ट्रीट किए जाते हैं या नहीं, दैट इज आर होमवर्क टू डू, कि क्या फीमेल मेंबर्स जो होते हैं उनको को पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है या नहीं ट्रीट किया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, ठीक है. यहाँ वापस आ जाते हैं, अडॉप्शन, को पार्टनरी, पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, पेयर्स ऑब्लिगेशन ऑफ सन्स टू पे देयर फादर्स डेब्ट, गार्जियनशिप, मेंटेनेंस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स. मोह माया भरी दुनिया में ये जितनी भी बातें होती हैं वो हिंदू के लॉ जो हैं उनके पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं. अब हमें कोई आके ये नहीं कह सकता, मतलब हमें कोई आके ये नहीं कह सकता, यानी कि जो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो अपने लॉज को फॉलो करके अपनी लाइफ साइकिल को चलाती है, ठीक है. अब जिसको, जैसे कि मान लो अडॉप्शन की बात है, मैरिज की बात है, तो हम क्या है अपने लॉ को फॉलो करके हम देखेंगे कि हमारे कस्टम्स क्या कह रहे हैं, हमारे वेदास क्या कह रहे हैं, हमारे जो होली बुक्स हैं वो इस प्रॉब्लम में हमें कैसे सॉल्व करने को कह रही है. अब जैसे कि बोला गया है कि जो सन होता है उनको अपने फादर के डेब्ट्स पे करने के लिए की बात, कैसी ऑब्लिगेशंस है उनकी बात की जा रही है, गार्डियनशिप की बात की जा रही है, मेंटेनेंस की बात की जा रही है, चैरिटेबल एंडोमेंट्स की बात की जा रही है. अब जैसे कि
चैरिटेबल एंडोमेंट्स में ही बात कर लो, जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे चैरिटेबल यानी कि चैरिटी की बात की जा रही है, डोनेशंस की बात की जा रही है एक्चुअली। तो डोनेशंस क्या है यहाँ पे कि अगर आपको डोनेशंस करनी है तो आपको करिए, और इसमें ये नहीं है कि कम्युनिटी बेस्ड है कि मतलब अगर आप हिंदू हो तो ही आपको करना है, मुस्लिम जिसमें वो डोनेशन नहीं कर सकते। डोनेशंस क्या है आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, बट आपको कोई फोर्सफुली वो चीज़ नहीं करा सकता ना। अगर हिंदू के जो हमारे श्रुतिज हैं और स्मृतिज हैं उसमें ऐसा फोर्सफुली नहीं कहा गया कि आपको चैरिटी करनी ही है, करनी ही है, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वहां पे आपको चैरिटी देनी ही है, ठीक है। तो इन सबको हम कहाँ से अपने पर्सनल लॉ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, थीके? बहुत बार ठीक है बोलती हूँ मैं। फिर मोमेडियंस के लॉ क्या है, होली कुरान उनकी अपनी बुक है, एक्शंस प्रिसेप्ट एंड सेइंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बातें कही हैं वैसे मोमेडियंस में किसने कहा है, प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी सेइंग्स को कहा है, विच दो नॉट रिटन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम वर प्रिजर्व बाय ट्रेडिशन, जब वो जब उनकी लाइफ चल रही थी उस टाइम पे उसको रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन मतलब उस जब भी उनकी लाइफ प्रॉफिट मोहम्मद की जब तक लाइफ रही है तब तक तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन जो ऑथराइज्ड पर्सन है उन्होंने हैंडेड डाउन किया है, तो वो क्या था, इनको क्या कहा जाता है, हदीस कहा जाता है, ठीक है। हदीस में क्या बातें बताई गई हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में एक लाइफ साइकिल को चलाने का तरीका बताया है कि क्या गलत क्या सही है, किसके बदले क्या है, किसके बदले क्या नहीं है, क्या चीज़ें गलत हैं क्या चीज़ें सही है, ठीक है। जैसे हर रिलीजन सबको सही और गलत की पहचान करना बताता है, वो सिमिलैरिटीज ही होती हैं, बस डिवीजन है। इजमास और क्या था, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट एंड हिज डिसिपल्स। इजमास में क्या बताया गया है कि जो प्रॉफिट थे और उनके क्या बताया, मतलब कि उन्होंने अपनी लाइफ साइकिल को कैसे चलाया, उनके ओपिनियंस क्या थे किस चीज किसी चीज को लेकर, ठीक है। Kias and reasoning by analogy, these are analogical deductions derived from a comparison of the Quran, Hadith and Ijmas, and none of these apply to a particular case. Digest, अब इसको तो कोई मतलब मुस्लिम ही है वो इस को ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं कि Kias क्या है, Ijmas क्या, मतलब मेरे को अभी तो सब सिमिलैरिटीज ही लग रही है, चाहे आप बात कर लो श्रुतिज और स्मृतिज की, होली कुरान की, बट जिसको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होगी उसी को बहुत अच्छे से इनके बीच में डिफरेंस पता है। तो पर्सनल लॉ का मेन मतलब क्या है, पर्सनल लॉ का मेन मतलब वही है कि आपके खुद के लॉज, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो, उनके खुद के अपने पर्सनल लॉज होते हैं, कास्ट में भी अपने पर्सनल लॉज होते हैं। एक बार यहाँ ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज ऑन मोमेडियन लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस ऑफ देम बीइंग द हिदाया विच वॉज कम्पोज इन 12th century एंड फतवा आलमगिरी विच वॉज कम्पाइल्ड बाय कमांड ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगिरे। इसका थोड़ा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ इस पॉइंट का तो मैं इस वाले जो भी पर्सनल लॉ में ये श्रुति स्मृति इसकी बात की गई है वो तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ, श्रुतिज और स्मृतिज में डिफरेंसेस, और हिंदूज लॉ मतलब कि आपके जो पर्सनल पर्सनल मैटर होते हैं आपके जो रिलीजन वाइज, जैसे कि मैरिज, इनहेरिटेंस और सक्सेशन, अडॉप्शन, ये सारी चीज़ें कैसे आप फॉलो करोगे, ज्वाइंट फैमिली में आपको पार्टीशन करना है प्रॉपर्टी में तो उनके सबके अलग अलग ही लॉज होते हैं तो उनको आप कैसे फॉलो करोगे, उसमें हेल्प करता है। बट मुझे अभी ये कियाज वाला पॉइंट थोड़ा समझाने में वो मतलब ऐसा है कि वर्ड ना जुबान पे है बट वो निकल नहीं रहा है, तो उसका एक इजीएस्ट, आई डोंट थिंक यहाँ पे इजीएस्ट भी चाहिए होगा, समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, फिर मैं थोड़ा सा उसको और डिटेल में लेकर आऊंगी। जब तक तो वो रिटर्न फॉर्म में मेरे मुंह से लिखा हुआ ना उतरेगा ना तब तक तो वो समझाने में भी नहीं आएगा मेरे को। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट दैट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ क्या है, उसमें बात होती है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ मतलब जस्ट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ दो में डिवाइडेड है, एक जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, फिर आता है सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ जिसमें कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्टैट्यूट लॉ की बात होती है। हमें क्या देखना है, पहले हमें जस्टिस
इक्विटी एंड गुड कंसाइंस देखना है। जस्टिस इक्विटी और गुड कंसाइंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एमपीज रेगुलेशन ऑफ 1781 इन पर्सनल लॉ डिस्प्यूट्स। पर्सनल लॉ के जो डिस्प्यूट्स होते थे, द कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफरेंट डिफेंडेंट और इफ द पॉइंट एट इशू इज नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैट्यूट और कस्टम। तो पर्सनल लॉ के जो डिस्प्यूट्स होते थे उसमें कोर्ट्स को क्या अप्लाई करना होता था, टू अप्लाई द पर्सनल लॉ अप्लाई करना होता था अगर स्टैट्यूट और कस्टम जो है उस पॉइंट को कवर नहीं कर पा रहे, उस इशू को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, एंशंट हिंदू लॉ हैड इट्स ओन वर्जन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ जस्टिस। हिंदू लॉ के अपने अलग वर्जन हैं इनके। मॉडर्न वर्जन क्या है, जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ लॉ ओज इट्स ओरिजिन टू द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। जो हमारा एंशंट हिंदू लॉ है उसमें जस्टिस इक्विटी और गुड कंसाइंस की अपनी ही अलग वर्जन हैं, उनकी अपनी अलग बातें हैं। द चार्टर्स ऑफ द सेवरल हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश बाय द बिग। अब ये जो मॉडर्न वर्जन है जस्टिस इक्विटी और गुड कंसाइंस का, ये क्या है, बिगनिंग है किसकी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ठीक है, हाई कोर्ट्स द चार्टर ऑफ द सेवरल हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टेड दैट वेन द लॉ वॉज साइलेंट ऑन अ मैटर दे शुड डिसाइड द केस इन अकॉर्डेंस विद जस्टिस इक्विटी। जब लॉ जो है उस मैटर पर साइलेंट है तो फिर उनको क्या है, जस्टिस इक्विटी और गुड कॉन्साइंस को ध्यान में रखते हुए उस कोर्ट के उस केस के डिसीजन को उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस हैव बीन जनरली इंटरप्रिटेटेड टू मीन रूल ऑफ इंग्लिश लॉ एंड on an analogous matter as modified to suit the Indian conditions and circumstances. The Supreme Court stated, Supreme Court ne kaha, it is now well established that in the absence of any rule of Hindu law, the courts have authority to decide case on the principle of justice. Agar Hindu law mein उस रूल की एब्सेंस है तो क्या हो सकता है, कोर्ट क्या है, कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो उसको जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे, इक्विटी और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल पे डिसीजन ले सकते हैं। अनलेस इन डूइंग सो द डिसीजन वुड बी रिपेगनेंट टू और इनकंसिस्टेंट विद एनी डॉक्ट्राइन और थ्योरी ऑफ लॉ। यानी कि ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं, बस क्या ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो या किसी भी हिंदू लॉ के अगेंस्ट में वो चीज़ ना जा रही हो। ठीक है, सिंस द मैनी बॉडी ऑफ रूल में तो कुछ नहीं है, सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ पे आ जाते हैं हम। सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ में कॉमन लॉ की बात हो रही है। कॉमन लॉ के कंटेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है, द नेम गिवन टू दोज प्रिंसिपल ऑफ लॉ इवॉल्व बाय द जजेस इन मेकिंग डिसीजन ऑन केसेज दैट आर ब्रॉट बिफोर देम। द प्रिंसिपल हैव बीन बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स सो एज टू फॉर्म कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इन पर्टिकुलर एरियाज। दैट कॉमन लॉ डिनोट्स दैट बॉडी ऑफ लीगल रूल्स प्राइमरी सोर्स ऑफ विच वर द जनरल इमेमोरियल कस्टम्स, जिसमें इमेमोरियल कस्टम्स की बात हो रही है, जुडिशियल डिसीजंस की बात हो रही है, लीगल रूल्स की बात हो रही है, टेक्स्ट बुक ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। कॉमन लॉ इज अनरिटन लॉ ऑफ इंग्लैंड। कॉमन लॉ क्या है, इंग्लैंड का अनरिटन लॉ है विच इज कॉमन टू द होल ऑफ द रियाम। लॉ मर्चेंट क्या कहते हैं, लॉ मर्चेंट जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ है, मर्चेंटाइल लॉ का इंपॉर्टेंट सोर्स है। मर्चेंट का मतलब क्या है, दोज कस्टम एंड यूसेजेस विच आर बाइंडिंग ऑन ट्रेडर्स, जो कि ट्रेडर्स पे उनके डीलिंग्स एक दूसरे के साथ जो डीलिंग्स होते हैं उनमें बाइंड, उनको बाउंड करके रखता है। ठीक है, बाउंडेशंस लगा के रखता है। बट बिफोर अ कस्टम कैन हैव अ बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ, कस्टम जो है बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ तभी लगा सकता है, इट मस्ट बी शोन दैट सच अ कस्टम इज, वो कस्टम क्या हो, एंशियंट हो, जनरल हो, एज वेल एज कमांड यूनिवर्सल कंप्लायंस हो। ठीक है, अगर इन अदर केसेस द कस्टम हैज टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टी क्लेमिंग इट, जो पार्टी इस कस्टम की बात कर रही है उसको प्रूव करना होगा कि ये कस्टम क्या एंशियंट है, जनरल है और यूनिवर्सल कमांड है उसका। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहते हैं, इक्विटी इज अ बॉडी ऑफ रूल। इक्विटी क्या है, बॉडी ऑफ रूल्स की बात हो रही है, ना ही वो कस्टम है ना ही कोई अनरिटन लॉ है, यानी वो कॉमन लॉ भी नहीं है। इम्पेरेटिव डिक्टेट्स है ऑफ कंसाइंस एंड विच हैड सेट Fourth and developed in the Court of Chancery. The procedure of common law courts was very technical and dilatory. Action at common law could be commenced by first obtaining a writ
or a process. The writs were limited in number and unless a person was able to bring his case within one of those writs, no action could lie at common law. Principal equity क्या है? Body of rules की बात हो रही है, जो कि ना customs है ना ही unwritten law है. ठीक है, एक कंसाइंस से निकली हुई एक बात है कि वो क्या कॉमन लॉ क्या होता है, टेक्निकल होते हैं बहुत ज़्यादा, और जो कॉमन लॉ में जो एक्शंस लिए जाते हैं वो उनके मतलब कि जो रिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोसेस होता है. ठीक है, इन सम केसेस देर वॉज नो रेमेडी, कोई रेमेडी नहीं थी कॉमन लॉ के, कॉमन लॉ देर वॉज नो रेमेडी और इनएडिक्वेट रेमेडी एट कॉमन लॉ. कोई रेमेडी अगर जो कॉमन लॉ है उसमें कोई रेमेडी प्रोवाइडेड नहीं थी. द किंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस. किंग को ही कंसिडर किया जाता था कि यही जस्टिस प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी. यहाँ पे एक बात कही गई है, जो कि इक्विटी चाहता है उसने इक्विटी दी हो, यानी कि जो बराबरी जो जस्टिस चाहता है उसने जस्टिस खुद भी किया. ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स. बड़ी ही प्यारी बात कही है, मतलब कि जिसको जस्टिस चाहिए, जिसको इक्विटी चाहिए कोर्ट के आगे, अधिकार चाहिए या फिर कोर्ट के आगे उसको जस्टिस चाहिए, तो उसने भी वो साफ हाथों से आया. ऐसा ना हो कि मर्डर करके आया किसी का, मतलब एक एग्जांपल लेके बोल रहे, मर्डर करके आया और उसको चाहिए कि मुझे क्या बोलते हैं, मुझे ना इनोसेंट प्रूव कर दो. तो जिसको इक्विटी चाहिए वो क्लीन हैंड्स के साथ हो, और जो इक्विटी चाहता है उसने खुद भी लोगों के साथ इक्विटी की हो, यानी कि जिसको अच्छा चाहिए उसने अच्छा खुद भी किया हो. ठीक है, स्टैट्यूट लॉ क्या होता है? स्टैट्यूट लॉ इज अ पोर्शन ऑफ लॉ विच इज डिराइव फ्रॉम द लेजिस्लेशन. स्टैट्यूट लॉ की बात हो रही है भैया, जो लेजिस्लेशन से निकला हो, और इनएक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट और सबॉर्डिनेट, ये क्या हो गया, लेजिस्लेटिव बॉडीज. इट इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मर्सेंटाइल लॉ. और रिटर्न ऑफ स्टैट्यूट ओवरराइड्स अनरिटन लॉ. जो अब क्या है वो वाली बातें नहीं है कि जो मतलब कि अनरिटन है उसको माना जाएगा, जो आज लिखित में है ना उसकी वैल्यू जो है वो मतलब कि अनरिटन की उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है. बोथ कॉमन एंड इक्विटी, मतलब कि चाहे वो कॉमन लॉ हो या इक्विटी लॉ हो. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनएक्टमेंट्स इन द डोमेन ऑफ मर्सेंटाइल लॉ आर द इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट. यही कौन से थे मर्सेंटाइल लॉ में जिनकी इनएक्टमेंट हुई है, जो एक्ट बने हैं, द इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बैंक्रप्सी एक्ट, कैरियर एक्ट, इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1948. समाप्ति. मर्सेंटाइल लॉ क्या है यहां से देखें, मर्सेंटाइल लॉ इज रिलेटेड टू कमर्शियल एक्टिविटी की बात करता है. सोसाइटी में जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उनकी बात होती है मर्सेंटाइल लॉ में. ब्रांच ऑफ लॉ विच इज एप्लीकेबल टू और कंसर्न विद ट्रेड. ऐसे लॉ के ब्रांच की बात जिसका कंसर्न किसी हो, ट्रेड और कॉमर्स से उनका कनेक्शन हो. ठीक है, वाइड टर्म है, एम्ब्रेसिस ऑल लीगल प्रिंसिपल. सोर्सेज देख लेते हैं यहाँ पे क्या है. पहला सोर्स है लॉ मर्चेंट, फिर है स्टैट्यूट लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो कि हम अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं. सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्सेंटाइल लॉ हमें देखना है. इंग्लिश मर्सेंटाइल, इंडियन मर्सेंटाइल लॉ बनाने का सोर्स कहाँ सा है? इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ देखा हमने. एक्ट्स इनएक्टेड बाय इंडियन लेजिस्लेचर, जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम एंड ट्रेड यूसेजेस. सेम वही बातें रिपीट होंगी. ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. जुडिशियल डिसीजन से देखते हैं, जो भी स्टैट्यूट्स हैं और जो जजेस ने इंटरप्रिटेट किया है वो क्या है, जुडिशियल डिसीजन है. जब द लॉ साइलेंट होता है तो वहाँ पे जज केस को डिसाइड करते हैं जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस के प्रिंसिपल्स पर. ठीक है, उसके बाद है एक्ट इनएक्टेड बाय इंडियन लेजिस्लेचर और स्टैट्यूट लॉ. जो एक्ट इंडियन लेजिस्लेचर ने टाइम टू टाइम चेंज किया है, नए बनाए हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है. जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, हर एक पॉइंट पे एक नया एक्ट आया है जैसे जैसे केसेस बने हैं. ठीक है, इंडियन इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ क्या है कि लॉ इज मेनली एन अडेप्शन ऑफ इंग्लिश. किसी को हम देखते हैं वहीं से तो हम फॉलो करते हैं ना किसी चीज को. व्हेनेवर नेसेसरी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इट, प्रोवाइडेड फॉर लोकल कस्टम यूसेजेस ऑफ ट्रेड. जब जब जरूरत पड़ी है तो जैसे इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ को हमने देखा और फिर हमने उसको अपने अकॉर्डिंग में फिट किया है, यानी इंडियन मैटर जो भी इंडियन लॉ में मैटर्स आते होंगे उसके अकॉर्डिंग फिट किया है.
कस्टम और ट्रेड यूसेजेस में वही है बात की कस्टम क्या है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द इंडियन लॉ हैज बीन कोडिफाइड, जो भी पहले की कोडिफाइड यानी कि उनको डिक्लेयर किया गया है, मतलब कि रिटन ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको डिक्लेयर किया गया है। इट हैज़ नॉट ऑल टुगेदर डन अवे, एक साथ कस्टम्स को नहीं लाया गया, कस्टम्स के यूसेजेस की बात नहीं की है, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे उनकी बात की गई है। इट मे बी नोटेड दैट द होल लॉ रिलेटिंग टू हंडीज एंड कच्ची पक्की आदत, जैसी आदतें वैसा कस्टम। डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ। अभी भी ये क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट रहता है, ये जो टॉपिक है ये पार्ट 3 भी बन के ही रहेगा इसका। तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को अभी पब्लिक कर दूंगी। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया बट उसको पब्लिक नहीं किया, बट पार्ट 2 को अपलोड करने के साथ साथ कल सुबह तक मैं दोनों को पब्लिक कर दूंगी। थर्ड वीडियो आएगी ही आएगी। आई ट्राइड कि मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर लूँ बट वो एक में नहीं हुआ, फिर मैंने गोल रखा पार्ट 2 का, पार्ट 2 में भी नहीं हुआ। बट हायर स्टैंडर्ड सेट करोगे तो ही तो छोटा छोटा जीत करोगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट, क्योंकि रात हो रही है अभी, और कीप स्टडिंग।